दोस्तों आज बताने जा रहा हूँ आपको एक ऐसी ऐप जिसे आप फ्री माइंड होकर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग के बैकग्राउंड के लिए। बिल्कुल ही फ्री है और बेफिक्र होकर उसको आप अपने ब्लॉग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला कभी भी, और उसमें आपको क्रेडिट देने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री होकर बिल्कुल अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए उसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे उसमें म्यूजिक हैं भरे हुए पूरे। और तो ये सब म्यूजिक आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री, अपने आप ब्लॉग के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल आदित्य सिंह ब्लॉग। आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे इसी से रिलेटेड कि फ्री ऐप यूज कीजिए, म्यूजिक यूज कीजिए अपने बैकग्राउंड के लिए। उसमें से कुछ है एक NCS जो कि बहुत ही पॉपुलर एक म्यूजिक ऐप है। इसमें आप बहुत सारे म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग के बैकग्राउंड के लिए। बहुत ही शानदार उसमें म्यूजिक वगैरह है, मैंने भी बहुत ब्लॉग में उसको यूज किया है उसके म्यूजिक वगैरह, और बहुत ही बेहतरीन है। बट उसका दिक्कत यह है कि दोस्तों उसमें प्रॉब्लम यह है, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। क्रेडिट का मतलब कि आपको उसका लिंक जो है वो कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। उसका म्यूजिक आप किसी ब्लॉग में यूज करते हो अपने ब्लॉग में तो उसका क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी है कि अगर आप इसको यूज भी कर लेते बिना क्रेडिट के तो उस टाइम तो चल जाएगा, बट कुछ महीनों के बाद आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। जैसे कि मेरे भी आ चुके हैं, कई ब्लॉग में मेरे कॉपीराइट आ चुके हैं, जिसे तीन महीने हो गए, चार महीने हो गए, एक साल हो गया, उनमें भी कॉपीराइट आ चुका है। तो उसका कोई वो नहीं है कि कब कॉपीराइट आ जाए, क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। बट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो खुद यूट्यूब ने आपके लिए दे रखा है। मतलब यूट्यूब चाहता है कि आप यहाँ से अपना ऑडियो वगैरह कोई भी म्यूजिक वगैरह ये अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी क्लिप नहीं आने वाला, कोई क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं इसमें आपको, और बहुत ही सारे बेहतरीन म्यूजिक इसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन। और आप बेफिक्र होकर इसमें म्यूजिक यूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे NCS है, चाहे ऑडियो लाइब्रेरी है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बेस्ट है और मैं इसी से यूज करता हूँ आप, और मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहती कॉपीराइट की, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं रहती। जो कि और ऐप में टेंशन रहती है कि कॉपीराइट नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं आ जाएगा, वो तो नहीं आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत सारे आपको म्यूजिक मिल जाते हैं भरे हुए तुमने भर के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको उसको कि कैसे आपको इसको यूज करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है पहले उसको, फिर यूज करना है। तो दोस्तों मैं आ गया अपनी मोबाइल की स्क्रीन में, आप देख सकते हो साइड में मोबाइल की स्क्रीन। इसमें बताऊंगा आपको तरीका कि कैसे आपको इसको यूज करना है अपने ब्लॉग के लिए, किसी भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, इसको ओपन कर लेते हम। यहाँ आपको दोस्तों अपना चैनल खोलना है, यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब डाल के इसमें गूगल में ये आ गया, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको डेस्कटॉप ओपन करना है कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर की तरह खुलता है वैसे आपको ओपन कर लेना है डेस्कटॉप साइट से। तो ये कुछ इस तरह हमारा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपने जाना है यूट्यूब स्टूडियो, इसमें आप ओपन न्यू टैब करके आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में जा सकते हो। आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरह खोलना है, ना कि मोबाइल डेस्कटॉप, ये ध्यान रखिए आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरह खोलना है। तो ये देखिए आ गया। अब आपको जाना दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, देखिए एडिटर है, बहुत सारे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको बिल्कुल लास्ट में जाना है, बिल्कुल जो कि म्यूजिक का आपको लोगो नज़र आ रहा हो आपको उसको क्लिक करना है, ये रहा ऑडियो लाइब्रेरी, यहाँ आपको क्लिक करना है बिल्कुल लास्ट में। और यहाँ आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं अपने बैकग्राउंड के लिए, बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि अनबिलीवेबल है। आप कहीं भी आपको ऐप जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, भाई ये ऐप यूज कीजिए वो कीजिए। उसके बाद होता है क्या कि कुछ महीने या दिनों के बाद आपका कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, और मेरे साथ ही कई ब्लॉग में हुआ है जो कि बहुत बेहतरीन म्यूजिक थे, मैंने अपने ब्लॉग में डाला, वहाँ कॉपीराइट आ गया, फिर उसको हटाने के चक्कर में फिर उसको दूसरे म्यूजिक वहाँ डालना पड़ा, तो ब्लॉग खराब हो जाता है इस चक्कर में। तो म्यूजिक ऐसे डालिए जो कि हमेशा आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आगे में। अगर आपका कॉपीराइट आ गया, आपने देख लिया, आपने अपने ब्लॉग में म्यूजिक डाला और कुछ दिनों के बाद उसमें कॉपीराइट आ गया, तो दोस्तों आपको वो म्यूजिक या तो म्यूट करना पड़ेगा या उसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे ऑडियो के जरिए। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लॉग है वो थोड़ा खराब सा हो जाता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से डालते हो म्यूजिक, हाँ भाई ये सही लग रहा है, बट उसके बाद आपको चेंज करके दूसरा म्यूजिक डालना पड़ेगा तो वो फिर वीडियो खराब हो जाता है। इसलिए पहले से ही ऐसा म्यूजिक डालिए ताकि फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ही ना आए, तो ऐसे काम कीजिए कभी दिक्कत ही ना आए। तो ये सबसे बेहतरीन है, यहाँ ये खुद यूट्यूब वालों का है। तो चलिए पहले देख लेते हैं म्यूजिक इसमें बहुत सारे हैं।
रोमांटिक, ये सारे आपको इसमें इमेज मिल जाते हैं, आपको खुद सिलेक्ट करने पड़ेंगे एक एक करके। वैसे भी आप टाइम लगाते हो तो इसमें भी आपको चेक करना पड़ेगा कौन से आपके ब्लॉग में फिट बैठता है म्यूजिक। तो मैं एक कुछ म्यूजिक आपको सुना देता हूँ। तो ये नहीं, इसमें बहुत सारे हैं कुछ। ये देखिए अब रॉक, देखिए कितना बढ़िया म्यूजिक है, कितना बढ़िया म्यूजिक है। वैसे बहुत सारे हैं, हजारों में बहुत सारे इसमें म्यूजिक भरे पड़े हैं, आपको सब चेक करना पड़ेगा एक एक करके कौन से आपका ब्लॉग में फिट बैठता है, उसी हिसाब से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिए आपको नीचे आपको बहुत सारे आप मिल जाएंगे इसमें देखिए। और ये देखिए इसको डाउनलोड कैसे करना, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। आपको एक म्यूजिक सिलेक्ट करना है जिसको आप चाहते हो डाउनलोड करना, जैसे मैंने ये कर लिया हिप हॉप टेल मी डैट आई कांट। उसके आगे आप ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया देखिए, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो अपने ब्लॉग के अकॉर्डिंग, वो इसको सिलेक्ट करके फिर बिल्कुल राइट साइड में आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, देखिए ये रहा। और यहाँ आपको इसको क्लिक करना है और जहाँ आप चाहते हो वो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया, 6.74 MB का है और ये डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए इसको ओपन करके बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि कैसे आपको इसको यूज करना है अपने ब्लॉग के लिए, और ऑडियो मिल जाएगा वहाँ से, आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बेफिक्र इसको आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हो, कोई भी म्यूजिक बिल्कुल फ्री, कोई क्लेम नहीं आने वाला फ्यूचर में भी। जब तक आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तब तक के कोई भी आपका क्लेम वगैरह नहीं आ रहा, कोई भी यूट्यूब स्ट्राइक नहीं आने वाला। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए गुड बाय।